हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जिस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वर्ग एक शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि नहीं हुई तो टॉपर ही बन पाएंगे शिक्षक। शिक्षक भर्ती में 8720 में से 3668 बैकलॉग के पद। पूरी अपडेट हम देखते हैं दोस्तों। तो आचार संहिता हटने के बाद उच्च माध्यमिक वर्ग के शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन पद वृद्धि के साथ भर्ती नहीं हुई तो केवल टॉपर उम्मीदवार ही शिक्षक बन पाएंगे। इसी के चलते उम्मीदवार लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इधर उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने 8720 पदों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इसमें 3668 बैकलॉगों के पदों को भी शामिल किया गया। इस तरह फ्रेश पदों की संख्या सिर्फ 5052 ही बची है। अभ्यर्थियों ने फिर सौंपा ज्ञापन। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयनित सूची जारी हुए 3 माह बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, जबकि रिजल्ट आने के बाद और भी कई विभागों ने परिणाम पीएबी ने जारी किया है। अभ्यर्थी ने गुरुवार को लोक शिक्षण आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। वर्ग एक के आरक्षण का गणित इस प्रकार है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस 10% 505 पद चले जाते हैं, ओबीसी 14% पद 707 पद हैं, एससी 16% 808 पद हैं, एसटी 20% 1010 पद हैं, अतिथि शिक्षक 25% आरक्षण 1263 पद हैं। कुल मिलाकर यदि रिजर्वेशन में ये पद बांटे जाते हैं तो किसी के खाते में कोई भी पद नहीं आ रहे हैं। जो टॉपर हैं सिर्फ उनकी ही यहां पर ज्वाइनिंग होगी, यथा स्थिति अभी बनी हुई है उस हिसाब से। इस मध्य प्रदेश में शिक्षक के काफ़ी पद खाली हैं, उन्हें जोड़कर यदि ये काउंसलिंग की जाती है तभी सभी को लाभ मिल सकता है। तो जितनी भी पद वृद्धि की मुहिम चलाई जा रही है दोस्तों, खुलकर आप सपोर्ट जरूर करें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।